यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी जी मेहंदी लगवाने जाने के लिए। खुशी हो रही है मुझे, मेहंदी लगवाने जा रही हूँ आज मैं बाहर कहीं बहुत अरसे बाद। ये देखें, यहाँ पे मैंने ना ब्लीच बना कर रख दी, और ये है एक अर्जेंट फेशियल। जी हाँ, तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। जी जुम्मे का दिन है, आखिरी रोज़ा और 30 रोज़ा जो था वो आज है। और बस मैं भी शॉवर लेके फ्री हुई थी, तो खुशबू वगैरह लगा कर स्किन पर मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा के फिर नमाज की तैयारी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और वेलकम करते हैं आप लोगों को नई वीडियो में, नए व्लॉग में। और जी आज है जुम्मा, जुम्मे का दिन है और अलविदाई जुम्मा है। आई होप जी आप लोगों के रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे होंगे, और अल्लाह पाक ये रमज़ान का महीना, ये मुबारक और बाबरकत महीना हमारी ज़िंदगी में बार बार लेकर आए, और हमें हमेशा जो है इसका हक अदा करने की तौफीक अदा करे। जैसे रमज़ान अभी हमने गुजारे हैं, इससे अच्छे और अच्छे और अच्छे रमज़ान हमें गुजारने की तौफीक अदा करे जब भी हमारी ज़िंदगी में आए। और अलविदाई जुम्मा है, सब दिल अफसरदा भी होता है कि रमज़ान जा रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से गुजर रहे होते हैं ये, और हमारी इबादतें बहुत अच्छी से पाबंदी से हो रही होती हैं। तो अल्लाह पाक हमें इसी तरीके से पाबंद बनाए नमाज का, रोज़ों का, और हर इबादत का, कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अदा करें हमें। जिस तरीके से हम रमज़ान में बाकायदा कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, इसी तरीके से नॉर्मल लाइफ में भी, नॉर्मल डेज़ में भी हमें इसी तरीके से कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अदा करें। आमीन सुमा आमीन। नमाज़ पढ़ते ही मुझे इतनी मज़े की नींद आने शुरू हुई, मैं वहीं जा नमाज़ पर लेट गई। और खैर फिर मैं उठी, मैंने कहा नहीं आज बहुत ज़्यादा काम है, तो जल्दी से उठ जाते हैं, काम वगैरह करेंगे अपने सारे, और फिर उसके बाद कल तो ईद है, तो आज सारे काम निपटाने हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि आज फाइनलाइज हो गया, फाइनल हो गया है भाई कि हाँ कल ईद है। जब फाइनल हो जाता है तो फिर सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने पड़ते हैं, तो आज बस जल्दी जल्दी से काम करेंगे अपने सारे, और आप लोग को लेते चलेंगे, जो भी करते रहेंगे आप लोग को दिखाते रहेंगे। बस टाइम होने वाला है तो हम निकाल लेते हैं अपना सामान फ्रिज से, एक एक करके रख के आते हैं। एक हाथ में मोबाइल है, यहाँ पर ये मैंने चने बनाए हैं। चलिए जी, जो भी बनाया था हमने रख लिया है यहाँ पर, आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाया जैसे मैंने आपको बताया, तो बस ये चीज़ें बनाई हैं। अब जल्दी से इफ्तार करेंगे और फिर मिलेंगे। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ वापस, और सारे काम वगैरह मैंने मुका लिए अपने, कर लिए सारे काम, और रोज़ा भी इफ्तार हो गया है, चाँद नज़र आ गया है। बहुत बहुत मुबारक आप सबको, चाँद की चाँद रात मुबारक, ईद मुबारक सबको मेरी तरफ़ से। मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, आज की लास्ट रात है जो सब लोग इबादत करते हैं, तो भाई आप लोग मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी और मेरे घर वालों की तरफ से आप सबको चांद रात की ईद की मुबारकबाद। ईद की मुबारकबाद बल्कि कल देंगे, आज जो है आप लोगों को चांद रात मुबारक। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के लिए इस चांद को बहुत ज़्यादा मुबारक करे। और जी अब मैं जा रही हूँ, कामों से तो मैं हो गई थी फारिग जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे एक काम है बाहर, बाबा नहीं है। हाँ जी, तो अभी भी जा रही हूँ अकेली, बाबा नहीं है घर पर, तो इसलिए थोड़ा सा छोटा सा काम है मुझे, बस एक थोड़ी सी देर में मैं आ जाऊँगी। और मोबाइल इसलिए लेकर नहीं जा रही क्योंकि मैं जा रही हूँ अकेले, और रात हो रही है इस वक्त, मगरिब के बाद का टाइम है, तो मोबाइल लेकर नहीं जा सकते। ठीक है जी, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ आकर के मैं कहाँ गई थी। आ गई हूँ वापस, मैं ये सामान लेने के लिए गई थी, कुछ सामान मैं जो है ना वैसे पापा से मंगवा लेती हूँ मगर फिर भी भूल जाती हूँ। आज आलू वाले नहीं आए थे तो आलू लिए, और ये चाहिए था मसाला मुझे, ये लिया, अंडे लिए, छालियाँ ली अपनी, ये चीज़ें लीं, और क्या लिया,
और लिया है ब्लीच। ब्लीच करना था मुझे अपने पैरों पर और हाथों पर ब्लीच करेंगे। और एक ये लेकर आई हूँ मैं फेशियल, तो ये करेंगे अपने। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ और ये देखें, ये जो मेरी बेटी है एक आदत, इसने नई सोने की जगह बनाई है। यहाँ आप लोगों को चीज़ें भी दिखा दी मैंने कि मैं क्या लेने के लिए गई थी। पहले ना मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा नहीं था, मैंने सोचा था कि नहीं करूँगी कुछ भी, फिर अब मेरा मूड एकदम से अच्छा हो गया है तो मैंने सोचा इस चांद से चेहरे को ज़रा चमका लेते हैं। और जी मैं अब सोच रही हूँ कि एक अच्छा सा पार्लर, किसी अच्छे से पार्लर जाके, किसी अच्छे से ब्यूटी सैलून जाके अपना मैनीक्योर पेडीक्योर हेयर कलर हेयर कट फेशियल ये सारी चीज़ें ना करवा के अपना फॉरहेड बनवाऊँ, क्योंकि मैं जब भी बनवाती हूँ तो फॉरहेड बनवाती हूँ। और आईब्रोज भी मुझे थोड़ी सी अच्छी घनी सी पसंद है, तो इसलिए मैं नहीं बनवाती। आईब्रोज भी बहुत कम बनाती हूँ, हो सकता है यहाँ पे फिनिशिंग के बाल निकलवा लूँ उसमें भी, मगर मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना दौरे पड़ने लगते हैं, दर्द के तकलीफ़ के दौरे पड़ने लगते हैं, तो इसलिए हो सकता है मेरा वो प्लान भी कैंसिल हो जाए। सिर्फ फॉरहेड का प्लान, फॉरहेड से भी अच्छी चमक आ जाती है, बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है चेहरे पर, डिफरेंस आ जाता है अच्छा सा, मगर मैं सोच रही हूँ आईब्रोज भी करवा लूँ। तो अभी चलते हैं आईब्रोज करवाते हैं। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ आईब्रोज बनवा कर। आईब्रोज बनवाई हैं, फॉरहेड बनवाया है, चेंजिंग आ जाती है ना थोड़ी सी इंसान में जब आईब्रोज बनती हैं। मगर जो है ना पॉलर वाली, सबसे ज़्यादा एक जो पॉलर वाली होती है ना, वो ये काम करती हैं कि वो सुनती नहीं है, चलाती अपनी है। उसे मैंने इतना बोला है कि पतली नहीं करनी है, मगर देखें यहाँ से फिर भी पतली हो गई है। और ये वाली भी काफ़ी जो है यहाँ से, मुझे जो है ना चौड़ी चौड़ी आईब्रोज पसंद है और अब वो चल भी रही हैं। तो खैर अब ये काम हो गया है, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ईद है। अब जो है मैं जा रही हूँ जी, मैंने ब्लीच की है तैयार, तो अब वो लगाते हैं और फिर गुरु गुरु जाएंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने ना ब्लीच बना कर रख दी। अब ये है एक अर्जेंट फेशियल के नाम से आया है, किसका है, गोल्डन पर्ल का है अर्जेंट फेशियल। तो ये लगा के देखेंगे आज के इसके रिजल्ट कैसे हैं। और हमने लगाया है, ये लगाते हैं। अब जी इस मैट पर आपने इस तरह से अपने पैर रख लेने हैं और अप्लाई करनी है अपनी ब्लीच। ठीक है जी, क्या हो रहा है ये, फैन ऑफ कर दिया मैंने, बुलबुल फैन ऑफ कर दिया मैंने, आईज इतनी गंदी हो रही है बिल्कुल की। हाँ जी, जैसे कि आप लोगों ने देखा काम और ईद की तैयारियाँ साथ साथ चल रही हैं अपना काम। मेरी जो है ब्लीच वो हो गया था, 20 मिनट्स हो गए थे उसको लगे हुए, तो फिर मैंने वॉश कर ली थी वॉश। अब मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ और मेहंदी लगवा कर आ जाऊँ। इस वक्त बज रहे हैं रात के 2:30 और अब मुझे ख्याल आया है मेहंदी लगवाने का, क्योंकि भाई अब मेरे काम ख़त्म हो गए हैं। तो देखते हैं, चलते हैं मेहंदी लगवा कर आते हैं। मेहंदी के बिना, क्योंकि ईद नहीं है, मेरे हिसाब से मेहंदी लगाना बहुत ज़रूरी है ईद पे, और मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ है मेहंदी लगवाने का। तो अब जाते हैं मेहंदी लगवा के आएंगे। यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी जी मेहंदी लगवाने जाने के लिए। खुशी हुई है मुझे, मेहंदी लगवाने जा रही हूँ आज मैं बाहर कहीं, बहुत अरसे बाद, बहुत टाइम बाद, पता नहीं कितने सालों बाद मैं बाहर मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। वरना मैं यूजुअली अपने खुद ही मेहंदी लगा लेती हूँ, बस एक हाथ पे और एक हाथ पे खुश हो जाती हूँ लगाकर, या एक हाथ पे कभी कभी लगवा भी लेती हूँ किसी से। तो खैर अभी हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने, ये मेरी बेटी बैठी हुई है पीछे मेहंदी लगवाने, और अभी बज रहे हैं रात के 2:30। तो अभी देखते हैं कि वो मेहंदी लगाती भी हैं या नहीं लगाती, क्या उन्होंने बुकिंग्स लेना बंद कर दी हूँ। वैसे तो पार्लर्स खुले होते हैं सुबह 5-6 बजे तक, जानों के टाइम भी खुले हुए होते हैं। तो अभी जाते हैं देखते हैं। मैं बस
डेली रूटीन हुई जो डेली काम कर लेती हूं कोई भी जो भी कर लेती हूं कहीं बाहर जाए तो वो डाल दिया इस टाइप की चीज़ें। जी हाँ तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ मेहंदी लगवा कर और बहुत ही बेकार मेहंदी लगाई है। इससे अच्छी मेहंदी तो मैं लगा लेती मतलब इससे अच्छी मेहंदी तो कोई बच्चा लगा लेता। खैर क्या कर सकते हैं, ईद है मेहंदी लगवानी थी लगवा ली। अब बड़ा अरमान था मेरा कि बहुत अच्छी मेहंदी लगानी है मुझे ईद पर, मगर मेरा सारा अरमान आंसुओं का बह गया है। ठीक है फिर भी बस ठीक ठाक है। अब जी बस सोएंगे, इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 4:30 और अभी बस अब सोएंगे थोड़ा और फिर उठेंगे सुबह नमाज के टाइम पे और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आप लोगों को। आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। फिर यहाँ पर रात में जी मैंने अपना एक हाथ पर मेहंदी खुद लगाई। रात में मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि दूसरा हाथ भी लगा होना चाहिए, तो मैंने मेहंदी लगाई फिर अपने।